हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कपिल कक्कर, साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच, काउंसलर, सोशल रिफॉर्मर, आज आपके सामने एक और नया वीडियो लेके आया हूँ, विच इज़ ऑन कोरोना वायरस। आजकल एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसके अंदर एक डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी हैं। वो ये बार बार कह रहे हैं पिछले दो महीने से कि कोरोना वायरस को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए और एक ऐसा वायरस है जो अपने आप ठीक हो जाता है। मैं आपसे इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये उनकी स्टेटमेंट काफ़ी इर्रिस्पॉन्सिबल लग रही है और मैं आप लोग के सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगा। मैं पहली बात आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी हैं, ये 100% मेडिकल डॉक्टर तो नहीं हैं। अभी अपने आप को डॉक्टर किस कैपेसिटी में बोलते हैं ये यही जाने, क्योंकि इतने वीडियोस बनाते हैं, किसी भी वीडियो में ये कहीं मेंशन नहीं करते उसके नीचे, अपने नाम के नीचे और अदरवाइज, कि मैंने इस मेडिकल सर्विस में डॉक्टरेट करी है या मैं इस कैपेसिटी में डॉक्टर हूँ। दूसरी चीज़, ये हर जगह ये बोल रहे हैं कि भी हमें इसके लाइटली लेना चाहिए, ये सब ड्रामा वर्ल्ड में चल रहा है और इन सब चीज़ों का कोई इम्पैक्ट नहीं है। कभी बोलते हैं ये एक कोलिशन है USA और चाइना का, कि जिससे वो अच्छी तरह पूरी दुनिया से पैसा कमा सके थ्रू फार्मा कंपनीज, और भी 100 चीज़ें बोल रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस है ये लीथल क्यों है, और मैं आपके साथ फैक्ट से बात करूँगा। और जैसे ये कोशिश करते हैं या क्लेम करते हैं फैक्ट्स की बात करने का, तो मैं आपको पहली बात ये कहना चाहूँगा, ये लीथल उन लोगों के लिए इतना नहीं है जो कि यंगस्टर्स हैं, जो कि अप टू द एज ऑफ 40 हैं। उन लोगों के लिए ये फिर भी एक जो चीज़ है जिसमें लोग रिकवर कर जाते हैं, और इनको हम कहते हैं माइल्ड कोरोना वायरस सिम्टम्स होते हैं इनके अंदर, सो दे आर माइल्ड, तो ये लोग वो रिकवर कर जाते हैं। इनफैक्ट अप टू द 60 ईयर्स ऑल्सो, इफ़ यू स्ट्रेच इट, देयर ऑल्सो पीपल आर रिकवरिंग। डिस्पाइट वॉट आई एम सेंग, देर हैव बीन फ्यू डेथ्स ऑफ पीपल हु वर एज यंग एज 38 ईयर ओल्ड, और अ वुमेन हु वॉज बिटवीन द एज ऑफ 50 and 55। सो इट इज़ नॉट दैट इट इज़ नॉट लीथल फॉर पीपल बिलो 60, बट आई हैव अ लार्जर पॉइंट टू मेक हेयर, एंड माई पॉइंट इज़ वेरी सिंपल बट डीप। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स, येस, एंड हु वुड हैव, अब आपको मालूम होगा जब आदमी 60 साल से ऊपर का होता है उनको कोई ना कोई एक प्रॉब्लम मेडिकल हिस्ट्री आई जाती है, चाहे डायबिटीज़ की हो, हार्ट एलमेंट हो, लंग्स से रिलेटेड हो, तो कोई ना कोई आई जाती है। अब आप देखिए, ये जो मैं आपके साथ फैक्ट्स लेके आ रहा हूँ, इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 72.96 मिलियन केसेस डायबिटीज़ के हैं। इमेजिन 72.96 मिलियन, विच वुड कम टू 7 crore 20 lakh पीपल हु आर पेशेंट ऑफ डायबिटीज़। उसके बाद आप देखें, जिन लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम है, जिसको बोला जाता है COPD, देर आर 55.3 मिलियन केसेस इन इंडिया। 55.3 मिलियन केसेस को अगर आप देखेंगे तो ये आ जाते हैं कोई 5.5 crore के करीब। अब हम आ जाते हैं हार्ट पेशेंट्स, जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, उसके 54.4 मिलियन पीपल या पेशेंट्स हैं। अब आप देखिए, ये भी कोई 5.5 crore हैं। अब आप इनको ऐड कर लीजिए एक मिनट के लिए, 7 crore आपके हम लगा लेते हैं डायबिटीज़, 5.5 crore चलिए इनके भी आप लगा लीजिए लंग्स और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के, तो कितने हो गए, ये हो गए 17 crore। अब आप सोचिए, कोरोना वायरस जिस तरह स्प्रेड करता है, अगर ये 17 crore लोगों में, तो इसमें हम डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी को एक डिस्काउंट भी दे देते हैं, कुछ लोगों के अंदर लंग्स प्रॉब्लम भी हो सकती है, साथ में डायबिटीज़ भी हो सकती है, डायबिटीज़ प्लस कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो हम 17 crore पेशेंट्स को ना मान के हम उसमें से 1/3 हटा देते हैं। अगर हमने 1/3 हटा भी दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज कन्वीनियंस, तो हम फिर भी हमारे पास कोई 11-12 crore या उससे ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं जिनको ये वाली प्रॉब्लम है। अब आप सोचिए, अगर ये जो 60+ ईयर के लोग हैं, उसमें से 11-12 crore में से आप ये मान लीजिए कम से कम 70% मैं मान लूँ होंगे, अगर आप 70% मान लीजिए, तो फिर भी 7 crore के करीब आपके पास जो लोग हैं हु आर 60+।
अगर आप सोचिए इन लोगों को कोरोना वायरस हो जाता है तो आप देखिए इन 6-7 करोड़ या 7 करोड़ लोगों की बचने की संभावना कितनी कम हो जाती है। और क्या हमारा मेडिकल सिस्टम, हमारा क्या किसी भी वर्ल्ड का डेवलप्ड कंट्री का, चाहे आप यूएसए ले ले, यूरोप ले ले, किसी का भी ऐसा मेडिकल सिस्टम है कि जो 7 करोड़ पीपल को, पॉपुलेशन को हैंडल कर सके। चलिए अब हम एक और डिस्काउंट दे देते हैं जी डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी को कि जी 7 करोड़ लोगों को सबको थोड़ी ना हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ उसमें से 50% लोगों को भी हो गया तो कितना हुआ, 3.5 करोड़। क्या हमारे पास या किसी भी कंट्री के पास 3.5 करोड़ पेशेंट्स ऑफ कोरोना वायरस को देखभाल करने की कैपेसिटी है? नहीं है। आप इंडिया छोड़ दीजिए, कहीं पे भी नहीं है। फिर आप देखिए अब इटली में क्या हो रहा है। इटली में यह हो रहा है जितने भी 60+ ईयर ओल्ड पेशेंट हैं उन लोगों को वो लोग वेंटिलेटर से हटा रहे हैं। वाई? क्योंकि इतने पेशेंट्स उनके पास, यंग पेशेंट्स भी हैं, तो वो कहते हैं हम यंग लोगों की लाइफ बचाते हैं और हम जो जितने 60+ पेशेंट्स हैं उनको वो इसलिए वेंटिलेटर से हटा रहे क्योंकि उनको मालूम है कि भाई इनका बचना बहुत ही मुश्किल है या ना के बराबर है। अब आप सोचिए 3.5 करोड़ अगर हमारे पास, मान लीजिए गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं करती और 3.5 करोड़ आपके पास ऐसे पेशेंट्स आगे जो 60+ हैं, उसके साथ आपके पास 2-3 करोड़ और ऐसे आ गए जो कि अंडर 60 लोग हैं, 6 करोड़ लोगों की कैपेसिटी कौन देख सकता है? और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, मैं वापस आ रहा हूँ अबव 60 में। अगर अबव 60 के जो लोग हैं, 3-3.5 करोड़ लोगों को अगर कोरोना वायरस हो जाता है जिनको डायबिटीज़ है, पल्मोनरी डिजीज़ है या ब्लड प्रेशर है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, आप सोचिए इफ़ दे डाई, इफ़ वी लूज देम, हाउ मैनी फैमिलीज यू थिंक इन इंडिया वुड बी इम्पैक्टेड? हाउ मैनी? मस्ट बी अराउंड एट लीस्ट 15-20 करोड़ पीपल वुड बी इन ग्रीफ बिकॉज देयर लव्ड वंस हैव लेफ्ट देम बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, येस। So what can we do here? My only objective of making this video is that people like Biswaroop Roy Chowdhury need to understand. He is not 60 year old. I think he is 46, 47 year old. He needs to understand today he is not 60. And if the government has done this lockdown, it is for the larger interest of the country. It is to save those 3-3.5 crore people from dying. It is government is trying to save the loved ones of almost 15-20 crore people who are going to be in grief if we lose 3-5 crore people in this country. So my humble request is कि अगर आप बिस्वरूप रॉय चौधरी को फॉलो करते हैं, आप करिए। आई हैव हर्ड वो डायबिटीज़ में ही इज़ डूइंग सम वर्क, आई हैव नो इश्यूज ऑन दैट। पर माय फ्रेंड्स, याद रखिए इस तरह के वीडियोस जो वो बना रहे हैं उनको ना शेयर करिए, ना उनको आप उन वीडियोस को सीरियसली लीजिए। चाहे 80%, 90% लोग, मैं फिर रिपीट करता हूँ, रिकवर भी कर जाते हैं, फिर भी अगर लॉकडाउन नहीं होता जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, इफ़ वी आर नॉट फॉलोइंग दैट वी आर गोइंग टू हैव कार्नेज इन दिस कंट्री विच इज़ गोइंग टू गो इन करोड़्स ऑफ पीपल डाइंग जस्ट बिकॉज समबडी द गवर्नमेंट ऑफ द डे डिड नॉट टेक केयर ऑफ देम विच दिस गवर्नमेंट फॉर्चुनेटली इज डूइंग। एंड when people like Biswaroop Roy Chowdhury, who would end up talking so much by suggesting to people that it should not be taken seriously, but today the lives of the people of this country is much more important than anything else. So my only request to you is, aap jitne bhi ye Biswaroop Roy Chowdhury ke jahan jahan logo hain, unke fans hain, jo unko follow karte hain, उन सब तक इस ये वीडियो मेरा इस माध्यम तक पहुंचाएं कि मे बी ही 70-80% राइट बिस्वरूप रॉय चौधरी, आई हैव नो, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट, बट इवन इफ यू लूज 20% ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, इट इज़ गोइंग
to have a big impact of losing around 2 to 3 crore people in India. And it doesn't sound good at all. So kindly share this video so that it reaches the followers of BISWAROOP ROY CHOWHARY. Thank you so much.